जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना है। मतलब हमारे पास दो अकाउंट बन गए हैं या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब हम मज़ीद जो है इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करना चाहते, या फिर दो अकाउंट हैं और एक अकाउंट हम लोग अपना डिलीट करना चाहते हैं और एक रखना चाहते हैं। तो जो अकाउंट हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हमने जस्ट चंद एक स्टेप हैं तो उनको फॉलो करते हुए जो है हमने अपना अकाउंट जो है डिलीट करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आप इसको लाइक कर देते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह का मज़ीद कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करने के लिए ये जो तीन लाइनें नज़र आ रही हैं इस पे करना है क्लिक, ये इस पे हमने करना है क्लिक। अब हमने ये करना है सेटिंग पे क्लिक। अब ये हेल्प नज़र आ रहा है इस पे करेंगे क्लिक, ये हेल्प पे। तो अब हमने ये हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है, ये हेल्प सेंटर। और अब ये हमें ब्राउज़र में ले जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़र का ऑप्शन एक नज़र आ गया है। तो ये क्रोम के पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे जो सर्च बार नज़र आ रहा है इस पे करना है हमने डिलीट, टाइप करना है। ये डिलीट करते हैं, टाइप सर्च करते हैं। अब जो पहले नंबर पे नज़र आ रहा है हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पे करेंगे क्लिक। तो अब यहाँ पे टेम्परेरली डिसेबल योर अकाउंट, अगर टेम्परेरली करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। कम्युनिटी गाइडलाइन को अगर देखना है तो इस पे करना है। टिप्स फॉर लॉगिंग इन, अगर आप लॉगिन नहीं हो रहे हैं तो इस पे क्लिक करोगे। बिफोर डिलीटिंग योर अकाउंट यू मे वांट टू लॉग इन एंड डाउनलोड कॉपी, आप अपना डाटा की एक कॉपी बना के उसको डाउनलोड करना चाहते हैं यानी डिलीट करने से पहले, तो ये ऊपर वाला डाउनलोड अ कॉपी जो लिखा हुआ है इस पे करेंगे क्लिक। गो टू डिलीट योर अकाउंट, या इस पेज पे जाना चाहेंगे गो टू डिलीट योर अकाउंट। तो मैं कोई डाटा कॉपी नहीं करना चाहता, मैं अपना अकाउंट ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये डिलीट योर अकाउंट इस पे मैं कर दूंगा क्लिक। अब ये मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ले आया डायरेक्ट। अब यहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन भी दे सकता है, मतलब ये जो मेरे पास ये टैब आया है इससे पहले जो है ना आपके पास एक लॉगिन का बटन भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर लॉगिन का आपके पास आए तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। मतलब मैं इसको ना ये अगेन मैं ये स्टेप कर लेता हूँ हेल्प सेंटर, और मैं ये फायरफॉक्स के साथ इसको ओपन करता हूँ। अगेन इसको मैं ये डिलीट, तो ये देखें ये हमें ले के आया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे करना है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए जो हमारा यूज़र नेम है वो हमने डालना है। मेरा यूज़र नेम है ऑनलाइन वेब टीचर, ये इस नाम से है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो डिलीट योर अकाउंट, इफ़ यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम यू कैन टेम्परेरली डिसेबल योर अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिलीट योर प्रोफाइल व नॉट अपीयरेंस व्हाइल यू आर। अब वो कहता है कि टेम्परेरली आप इसको डिसेबल कर दें, तो डिसेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न आप कर सकते हो या कुछ भी, मतलब ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद डिलीट ऑनलाइन वेब टीचर, मतलब आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट को डिलीट कर देना है। सिंपल यही जस्ट स्टेप है। बाज दफ़ा आपको जो है ना बार बार लॉग इन करने का कह सकता है, मतलब इंस्टाग्राम जो है ना वो कहता है कि कोई भी यूज़र छोड़ के ना जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आए, इसलिए वो ये डिलीट का जो बटन है इसको भी उन्होंने हाइड किया हुआ है कि इतनी आसानी के साथ कोई भी यूज़र इसको छोड़ के ना जाए। तो सिमिलरली इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।